नमस्कार, मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है सूजी के परांठे। सूजी के परांठे बहुत ही ज़्यादा इजी बनते हैं और खाने में उतने ही स्वादिष्ट हैं। इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सूजी ली है, एक बड़ा कटोरा प्याज मैंने लिया है, एक बारीक कटा हुआ हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च ली है मैंने, वो भी मैंने बारीक कटी हुई है। डो बनाने के लिए मैंने पानी लिया है और सूखे मसालों में मैंने लिया है नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर और जीरा। जीरे को हमने सबसे पहले सूजी के अंदर मिक्स करना है। अंदर मैंने जीरे को मिक्स कर लिया। अब जो मैंने बारीक कटे हुए प्याज है वो इसके अंदर डाल लिए हैं, हरी मिर्च जो मैंने बारीक काटी थी वो इसके अंदर मिक्स कर लिए, हरा धनिया और सूखे मसालों के अंदर नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक का डाला है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा डाला है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और इनको मिक्स करके अच्छी तरह से हमने एक डो रेडी करना है। डो हमने ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। इसके अंदर पानी को ऐड करना है, पानी को ऐड करके एक हमने डो रेडी करना है। परांठा बनाने के लिए डो रेडी हो चुका है ये देखिए, और इसको अब मैंने 15 से 20 मिनट तक ढक के छोड़ देना है, उसके बाद हम इसके परांठे बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हम डो को देख लेते हैं। ये देखिए, ये परांठे बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाथ के ऊपर मैंने घी लिया है और इसको अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लिया है। इसमें हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है परांठे बनाने के लिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी भी ले लिया है और जितना हमने बड़ा परांठा बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लोई को लेना है, और इस तरह से जैसे हम आटे का परांठा बनाते हैं उसी के हिसाब से हमने इसको बनाना है। और इधर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, उसके अंदर इसको इस आटे को इसके चारों तरफ लगाकर हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इस तरह से जैसे हम आटे का परांठा बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है इसका भी, कोई डिफरेंट नहीं है ये देखिए। और फिर इसके बीच में हमने थोड़ा सा घी ऐड करना है चारों तरफ से, और इसको जिस आकार में आप पराठा बनाना चाहते हैं आप उस आकार में इसको शेप दे दीजिए। ये देखिए बिल्कुल अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से आपने इसको बेलना है, ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, आराम से इसको बेलकर एक आटे की इसकी सॉरी पराठे की शेप देनी है। को मैंने ट्रायंगल शेप दी है। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और तवे को उसके ऊपर रख लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी तवे पे लगा लेना है और उस परांठे को इसके ऊपर बटा देना है। इसी तरह से हम अब अपना दूसरा परांठा रेडी करेंगे। ये हमारा एक तरफ से सिक चुका है और उसके ऊपर हमने एक घी को लगा लिया है और इसको पलट लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने वही प्रोसीजर सेम करना है, इसके ऊपर घी लगाना है और इसको पलटना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, दोनों तरफ से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको उतार देना है। हमारे सूजी के परांठे बनकर बिल्कुल रेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।